भाई सब कैसे हो। तो जो हमारे पास आज सेंटर लॉकिंग है, आज हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग है ब्लैक हैट की। मैं आपको इसकी वायरिंग की डायग्राम के बारे में बताऊंगा और इसके रिमोट की प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है मैं आपको वो बताऊंगा, और इसको रीसेट किस तरीके से करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये इसके साथ कुछ इस तरीके से रिमोट आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसकी वायरिंग की डायग्राम के बारे में। ये इसकी जो ब्लैक कलर की वायर है ये हमने एक ग्राउंड कर दी, और एक जो इसकी रेड कलर की वायर है ये हमने मेन लगा दी पॉजिटिव वाली के साथ। फिर ये आ जाती है हमारे पास ग्रीन कलर की वायर। ये ग्रीन कलर की वायर है हमारी रिवर्स गियर की वायर, ये उसमें लग जाती है। फिर एक आ जाती है हमारे पास वाइट पे रेड धारी, ये है हमारी इग्निशन वाली। तो फिर आ जाती है हमारे पास एक ब्लू, ये ब्लू कलर की वायर लगती है हमारी डोर स्विच के साथ। और फिर इसके साथ आ जाती है हमारे पास, ये आ जाती है हमारे पास दो ब्राउन कलर की वायरें। ये दो ब्राउन कलर की वायरें हैं हमारी इंडिकेटर की, और एक ब्राउन कलर की वायर और है, ये है हमारी सायरन की वायर। फिर हमारे पास बच जाती है लास्ट एक वायर, जो वायर है हमारी ग्रे कलर की, और ये है हमारी अपनी उसकी डिक्की के स्विच की, बंद स्विच की। तो ये आ गया हमारी वायरिंग के बारे में। अगर हमने इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हम उसको नेगेटिव को हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमारे पास गाड़ी आ जाती है स्विफ्ट आती है, अपनी फॉर्चूनर होगी, सिलेरी वगैरह होगी, उन सब गाड़ियों में नेगेटिव लगती है, तो उस नेगेटिव को हम किस तरीके से चलाएंगे। ये दो हमारे पास येलो कलर की वायर आती हैं, और दो आती हैं हमारे पास ऑरेंज कलर की वायर। हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर की दोनों वायरों को हम काट देंगे, और येलो वालों को की भी दोनों वायरें हम काट देंगे, और येलो वाली को हम ऑरेंज वाली के साथ जोड़ देंगे, और ऑरेंज वाले को हम खाली, और जो दो ये ऑरेंज वाली वायर हैं दोनों को हम खाली छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा गाड़ी में नेगेटिव चलेगा। तो ये हमारा नेगेटिव का भी हो गया और हमारा वायरिंग का भी हो गया। अब सबसे पहले हम इसको रीसेट किस तरीके से करेंगे। ये हमारा अभी स्कूटी पोजीशन पे है, और ये हमने एक इंडिकेटर को हमने लगाया हुआ है चेक करने के लिए। तो ये आ गई हमारी ब्लू कलर की वायर, ये आ गई हमारी डोर स्विच की वायर। जैसे हम अपनी डोर खोलेंगे हम, तो ये क्या करेगा, ये सायरन बोलना शुरू हो जाएगा। ये अभी हमारा ये स्कूटी पोजीशन पे है। तो अब इसको स्कूटी पोजीशन से बाहर कैसे निकालेंगे, ये हमारी इग्निशन की वायर है। हम पांच से छह बार तक इग्निशन ऑन करेंगे। ये हमारा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये हमारा भी स्कूटी पोजीशन से बाहर निकल चुका है। ये देखिए, ये हमारा अब इंडिकेटर हमारा ये फ्लैश कर रहा है। ये ब्लैक हैट में भी एक फंक्शन होता है। तो अब हम इसके रिमोट की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। ये हमारा ये लॉक, ये हमारा अनलॉक, ये भी स्कूटी पोजीशन से बाहर है। तो ये जो ये हमारा दूसरा रिमोट है, ये देखिए, ये मैं लॉक कर रहा हूँ, ये अनलॉक कर रहा हूँ, ये अभी वर्क में नहीं है, अभी इसकी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो इसकी प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको सबसे पहले ऑरेंज की जो इसकी वायर है, ब्रेक वाली वायर हमें लगाना ज़रूरी है। तो ब्रेक वाली वायर हम लगाएंगे तो फिर ही हमारा रिमोट मैच होगा, नहीं तो हमारा रिमोट मैच नहीं होगा। ये हमने ब्रेक वाली वायर लगा दी हमने इसकी। अब हम क्या करेंगे, अब हम पांच बार इग्निशन ऑन करेंगे। ये हमारा एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ये देखो, ये हमारे सारे ने आवाज़ की। अब जो हमारा इंडिकेटर की लाइटें स्टिल हो गई। ये हमने किया एक रिमोट मैच हो गया, लॉक का बटन दबाया, ये दूसरा वाला, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमने अपना इग्निशन बंद किया, तो ये हमने इसकी इग्निशन वाली वायर निकाल दी। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखो, ये हमने लॉक किया, ये हमने किया इसको अनलॉक, तो ये हमारा आ गया दूसरा रिमोट। ये किया इसको हमने लॉक, ये और ये किया हमने इसको अनलॉक। ये हमारे दोनों रिमोट की प्रोग्रामिंग हो गई। इस तरीके से हमारी सेंट्रल लॉकिंग जो ब्लैक कार्ड की होती है वो इस तरीके से रीसेट होती है, और इस तरीके से इसकी रिमोट की प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।